नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार यादव, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का मीडिया प्रभारी। दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर की मांगों को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन हमेशा से संघर्ष कर रही है। दोस्तों, अभी जो ट्रैक मेंटेनर की जो बेसिक का 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस दिया जाना था, पिछले बार जब CLC के साथ मीटिंग हुआ था तो उसमें बेसिक का 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस पर चर्चा परिचर्चा हुआ था और CLC महोदय ने यह रेलवे बोर्ड के बोला था कि जल्द से जल्द 30% हार्ड ड्यूटी अलाउंस ट्रैक मेंटेनर को दीजिए। दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर रोज रोज ड्यूटी के दौरान शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है। इसलिए CLC महोदय ने जो जोखिम भत्ता है उनको बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड को आदेश दिया था, लेकिन दोस्तों मीटिंग का 5 से 6 महीना हो गया है, लेकिन इस पर कोई भी सटीक निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के जो नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश पासवान जी ने इस मुद्दा को लेकर के फिर से CLC से संपर्क किए हैं कि सर, जल्द से जल्द ट्रैक मेंटेनर को बेसिक का 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस पास करवाइए। और राम नरेश पासवान जी ने बताया कि हम ट्रैक मेंटेनर की जो भी मांगे हैं, LDC ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर है, 30% रिक्स अलाउंस है, रक्षा के अंतर है, सभी मांगों को लेकर के हम CLC के साथ मीटिंग करते रहते हैं। और जब अगली बार CLC के साथ मीटिंग होगा तो उसमें मुख्य मांग यह रहेगा कि जो बेसिक का 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस है वह जल्द से जल्द सभी ट्रैक मेंटेनर को दिया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश पासवान जी ने यह भी बताया कि अगर हमारी मांगों को रेलवे बोर्ड नहीं मानती है, हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो हम फिर से एक बार जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लेंगे। तो राम नरेश पासवान जी ने बताया कि अगली बार जब CLC मीटिंग होगा तो उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस है वह रिक्स अलाउंस हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन भारतवर्ष के ट्रैक मेंटेनर को 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस बहुत जल्द दिलवाएगी। अध्यक्ष राम नरेश पासवान जी इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी हाल ही में राम नरेश पासवान जी अहमदाबाद रजिस्ट्रार के पास गए थे और ट्रैक मेंटेनर की समस्याओं को वहां भी गिनाए हैं कि ट्रैक मेंटेनर की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारतवर्ष के ट्रैक मेंटेनर को 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बहुत से हमारे दोस्त वीडियो में कमेंट करते हैं कि यह मांग पूरा नहीं होगा। दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन लड़ाई लड़ रही है इसके लिए कि ट्रैक मेंटेनर को 30% हार्ड अलाउंस दिया जाए। और भी मांगे हैं, उस पर भी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन दोस्तों अभी जिस पर फोकस किया जा रहा है 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस पर। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री इस पर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम फिर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द ही ट्रैक मेंटेनर को 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस मिलेगा। तो भारतवर्ष के ट्रैक मेंटेनर से यह निवेदन है कि आप लोग ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, उनको मजबूती प्रदान करिए ताकि हमारे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़े और हमारी मांगों को लेकर के वे और भी अच्छे तरीके से रेलवे बोर्ड में अपनी बात को रख सके और अपनी लड़ाई और जोर शोर से जारी रखे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है और भी आगे जो अपडेट आएगा हार्ड अलाउंस को लेकर को उस पर मैं आपको बताऊंगा ही। और हाँ दोस्तों, जो 4100 और 6000 का जो मामला है उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश पासवान जी नज़र बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द सभी ट्रैक मेंटेनर को
41 और 6000 पहले दिलवाया जाए। तो दोस्तों अब देखना है कि यह कब लागू होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से अपडेट में आपको बताऊंगा ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि भारतवर्ष के ट्रैक मेंटेनर तक यह वीडियो पहुंचे और उनको मालूम चले कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ट्रैक मेंटेनर के लिए काम कर रही है और बहुत जल्द उनको जो हक अधिकार है वह दिलवाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।